Dear friends, we've got a great promise today from the Lord. मेरे प्रिय मित्रों, आज हमें परमेश्वर से एक बहुत ही जबरदस्त प्रतिज्ञा मिली है। It's certainly going to encourage you. और निश्चय ही यह प्रतिज्ञा वचन आपको बड़ा ही ढाढ़स देगा। Isaiah 43:19, God says. यशायाह 43 वचन 19 में प्रभु कहता है। See, I am doing a new thing. देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। Now it springs up. और अभी ये प्रारंभ होगी। Amen. आमीन। You might say, sin has sucked everything from my life. आप कह सकते हैं, पाप ने मेरे जीवन से सब कुछ मानो सोख लिया है। The devil has taken away everything. शैतान ने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। I am left dry, Lord. और प्रभु जी, मैं तो बस सूखा ही बचा हूँ। I am left empty in my life, Lord. मैं अपने जीवन में खाली हूँ प्रभु। Look at my business which has dried up. देखिए, मेरा व्यवसाय जो कि पूरी तरह सूख गया। Look at the joblessness situation in my life. मेरे जीवन के बेरोजगारी की स्थिति को देख। Look at the dryness because of no partner coming to want to be with me. और इसलिए क्योंकि कोई मेरा साथ ही मेरे पास नहीं आता, मेरे उस सूखेपन को देखिए। Look at the dryness in my ministry. मेरे सेवकाई में आप उस सूखेपन को देखिए प्रभु। The dryness in my anointing. मेरे अभिषेक में उस सूखेपन को देखिए। Where is it all gone? ये सब कहाँ गया? I lost it, Lord. मैंने प्रभु सब कुछ खो दिया। I lost it, Lord. मैंने उसे खो दिया है प्रभु जी। In the midst of this, God is speaking only to you. और इन सब के बीच में परमेश्वर केवल आपसे कह रहा है। Even in this situation. इस परिस्थिति में भी। See. देखो, I am doing a new thing. मैं एक नया काम करता हूँ। Now it springs up. और अभी ये शुरू होगा। Receive it, my friend. मेरे मित्रों, इसे स्वीकार है। He does this only for those whom he has called. ये केवल उनके लिए करता है जिन्हें उसने बुलाया है। And he's calling you right now. और वो आपको अभी बुला रहा है। He called the disciples one by one. उसने एक एक करके सारे चेलों को बुलाया। Fill them with the power of the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिया। And use them to do tremendous acts in their life. और उनके जीवनों में महान कार्यों को करने के लिए उसने उन्हें इस्तेमाल किया। This will happen to you. यह आपके साथ भी होगा। Even though things seem dry right now. चाहे अभी चीजें आपके लिए सूखी क्यों न नजर आए। A new thing is springing up. एक नई बात प्रारंभ हो रही है। A new anointing is coming. एक नया अभिषेक आ रहा है। God is going to use you back in that same business. और परमेश्वर आपको वापस उसी व्यवसाय में काम में लाएगा। In that same ministry. उसी सेवकाई में काम में लाएगा। In that same place. उसी स्थान पर काम में लाएगा। With a greater anointing. एक और भी जबरदस्त अभिषेक के साथ। Something new is going to spring up. और कुछ नया आपके लिए प्रारंभ होगा। Right before your eyes. बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। Hallelujah. Shall we receive it right now? आइए हम इसी समय से स्वीकार करें। Thank you, Lord, for this tremendous blessing. प्रभु जी, इस जबरदस्त आशीष के लिए आपका धन्यवाद। They might be so sad and broken because everything is dried up in their life. ये इनके जीवन में बहुत ही ज्यादा उदास होंगे क्योंकि सब कुछ सूखा है। Love has dried up. उनका प्यार सूख गया है। Their blessings have dried up. उनकी आशीषें उनके जीवन में सूख गई हैं। Oh Lord, in that same place, प्रभु जी, उसी स्थान पर, we receive your promise today. आज हम आपकी प्रतिज्ञा को स्वीकारते हैं. Let us see a new thing. आइए हम एक नई चीज को देखने पाएं. A new thing springing up in our life. हमारे जीवनों में एक नई बात को शुरू होते देखें. You can do anything for us, Lord. प्रभु जी, आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं. And you are making a new thing blossom. आप हमारे लिए नई चीजों को प्रस्फुटित कर रहे हैं. New opportunities are coming. नए नए अवसर आ रहे हैं. A new way is opening. और नए रास्ते खुल रहे हैं. Where there has been failure and loss, you are creating new things. जहां भी असफलता और हानि थी, आप वहां पर नई चीजें ला रहे हैं. Your children will prosper. आपकी संतान निश्चय ही समृद्ध होगी. Where health has dried up, you are commanding your healing. जहां स्वास्थ्य सूखा था, आप वहां नई चंगाई को आदेशित कर रहे हैं. New health is coming into them. नया स्वास्थ्य उनके अंदर आ रहा है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. All things are made new. आपके द्वारा सारी चीजें नई हो गई हैं. Our hope is becoming new. हमारी आशा भी नई हो गई है. A new way is formed. हमारे लिए एक नया राह मिल गया. Help your children to go and see it, Lord. अपने संतानों की सहायता करें कि उसे देख सके प्रभु. Help them to accomplish your will in a mighty way, just like the disciples. और जैसे आपके चेलों ने, वैसे उनकी सहायता करें कि उसे सामर्थ्य रूप से वो प्राप्त करें. With this new anointing.
इस नए अभिषेक के साथ, जीसस नेम, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। माय फ्रेंड्स, अ न्यू अनॉइंटिंग हैज श्योरली कम अपॉन यू। मेरे मित्र, निश्चय ही एक नया अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। एंड गॉड हैज ओपन्ड समथिंग न्यू इन योर लाइफ। और परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ नया खोला है। बिलीव इट एंड गो एंड टेक इट। विश्वास के साथ जाकर के उसे ले लें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।